एक नई आशा के साथ और एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी में व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन व्याकरण के अंतर्गत तो बहुत कुछ है, तो आज हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? आइए, वर्ण नहीं, पहले समझ लेते हैं। आप तो वर्णों से भली भांति परिचित हैं, क ख ग, हाँ, तो आइए, क जमा म जमा ल क्या बनेगा बच्चों? कमल। क्या बनेगा? कमल अर्थात कमल शब्द। हाँ, वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द। ठीक इसी तरह शब्दों के मेल से क्या बनेगा? वाक्य। हाँ, कैसे? कमल का फूल है। विद्यार्थियों, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। और शब्दों के मेल से वाक्य। तो आज हम कक्षा सातवीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत वाक्य का अध्ययन करने वाले हैं। आइए, आज हम वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रकार अध्ययन करते हैं। ध्यान से श्रवण कीजिए। वाक्य की परिभाषा, शब्दों के सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों को सार्थक रूप में बांधा जाता है या उसे रखा जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? वाक्य। अर्थात शब्द सार्थक रूप में होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, छत के ऊपर बंदर है। इस वाक्य का अर्थ आपको भलीभांति और जल्दी से ग्रहण हो गया कि हाँ, छत के ऊपर क्या है? बंदर है। इसी वाक्य को थोड़ा हमने परिवर्तन करके लिखा है, छत बंदर के ऊपर है। इसका अर्थ ग्रहण हुआ आपको? नहीं, आप सोचने लगे कुछ गलत तो अवश्य है। लेकिन पहले उदाहरण में देखिए, छत के ऊपर बंदर है। आप जल्दी से इसका अर्थ ग्रहण करते हैं कि हाँ, छत के ऊपर कौन है? बंदर है। तो विद्यार्थियों, शब्दों के सार्थक समूहों को ही क्या कहेंगे? वाक्य। आइए वाक्य के प्रकार अध्ययन करते हैं। वाक्य के तीन प्रकार है रचना के आधार पर। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आइए आज पहला प्रकार अध्ययन करते हैं, सरल वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अब विद्यार्थियों, उद्देश्य का अर्थ होगा कर्ता और विधेय का अर्थ होगा कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है। अर्थात जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण, बंदर नाच रहा है। अब उद्देश्य का अर्थ कर्ता, तो बंदर नाच रहा में कर्ता कौन है? बंदर। अब बंदर के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वह नाच रहा है, इसे हम विधेय कहेंगे। नाच रहा विधेय है और बंदर उद्देश्य है। अर्थात एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण, मोहन कविता पढ़ता है। अब इसमें उद्देश्य कौन है? मोहन। और विधेय कविता पढ़ता है। अर्थात उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? विधेय। अर्थात यह साधारण वाक्य के उदाहरण हुए। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको यह वाक्य की परिभाषा और प्रथम प्रकार अवश्य समझ में आए हैं। तो आइए जल्दी से गृहपाठ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। वाक्य की परिभाषा प्रकार के साथ लिखिए। विद्यार्थियों, वाक्य के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।